हेलो वेलकम टू आनासुल मोटो ब्लॉग। तो आज मैं बात करने वाला हूँ रैपिंग के ऊपर। रैपिंग की दुनिया में अगर आपको आउटस्टैंड करना है तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, कुछ ये एग्जांपल है, देख लीजिए। तो मैंने सोचा है मैं कुछ यूनिक करूँ, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, ये रहा मेरा मिस्टर रेड 2.0। ये इसमें मैं नया रैपिंग किया था, तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने मेरा लोगो लगाया था ये वाला, और इसमें थोड़ा खाली था, ये ब्लैंक हो रहा था, तो इसमें मैंने फायर का न्यू डिज़ाइन लगाया था। तो ये रहा वो विंडशील्ड भी मैंने नया लगाया है, और इसमें वो मेरा यूट्यूब का नेम, इंस्टा का नेम, और ये रहा मिस्टर रेड का फ्रंट, थोड़ा बड़ा वाला लगाया है इस बार। और ये मेरा जो यूट्यूब का पूरा जर्नी है, उस पूरा जर्नी का यहाँ पर मैंने स्टिकर लगाया था। ये मेरा खुद का यूनिक स्टाइल है, मैंने लगाया है। और यहाँ पर फुल पूरा नाम, इस बार ये फ्रंट को मैंने पूरा हॉरर लुक दिया है, ये नाम देख लीजिए, पूरा हॉरर लुक दिया है। और मेरा पहला वाला जो हॉर्न था वो ख़राब हो चुका था, एक बार मैंने इसको वॉशिंग करने ले गया था, वहाँ पर जो आदमी वॉशिंग करने समय नीचे से पानी मार दिया था, तो वो हॉर्न ख़राब हो गया था। फिर मैंने ये रेड एंड ब्लैक में लगाया है, क्योंकि ये मेरा बाइक के साथ मैचिंग हुआ है। और एक चीज़ मैंने लगाया था व्हील में, जो रेडियम रिफ्लेक्टर आता है, वो मैंने वो शॉप में से लिया था। ये बाइक में लगाने से बहुत शाइनिंग अच्छा देता है। तो आइए मैं बाइक का पीछे वाला स्टिकर दिखाता हूँ। तो ये कौन सा स्टिकर मैंने लगाया है वो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा, ये कौन सा है अच्छे तरह से लिख लीजिएगा कौन सा स्टिकर है। तो गाइस, जैसा कि आपको मैंने मिस्टर रेड का लुक पूरा दिखा दिया है, तो कैसा लगा आप लोग को कमेंट करके बताइएगा। अगर आपके पास एक्सपल्स है तो ये रैपिंग करेंगे या नहीं, तो ये भी कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ मिस्टर रेड 2.0 के रैपिंग का ये सेकंड पार्ट था। अब जो नया ब्लॉग आएगा वो हमारा ट्रैवलिंग का आएगा। तो आपसे मैं सिनेमैटिक शॉट के साथ अलविदा लेता हूँ। तो आपसे मुलाकात होगा अगले वीडियो में। बाय बाय।